तो देखिए मैं इसको अच्छी तरह से पेपर मार लिया और मारने के बाद मैं इस पर रोजुट कलर करूँगा। रोजुट कलर करने के बाद इसको आप देखिए मैं कैसा कलर कर रहा हूँ। तो हम लोग कलर करेंगे। कलर करने के लिए सबसे पहले आपको लाल मिट्टी लगेगा। देखिए लाल मिट्टी, एक डब्बा और यह टिकिया और यह है स्पीड और थोड़ा सा मार्किंग कापर लगेगा। यहाँ पे रोजूट है, स्टीनर है कलर करने वाला। मेलामेट सीलर, ये है आपका हार्डनर। एक लीटर में एक हार्डनर जाएगा और ये आपका 124 नंबर थिनर। अभी मैं सीलर बनाऊंगा, सीलर बना के उसके बाद से सीलर मारूंगा। इसमें एक लीटर डालेंगे और एक लीटर में एक हार्डनर पहुंचेगा और इसमें 400 ml थिनर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीलर का ढक्कन मैं खोल चुका, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको मैं डाल दिया। तो ये है हार्डनर, एक लीटर ढाल चुका सीलर। उसके बाद ढालने के बाद मैं हार्डनर डालूंगा इसमें। इस ढक्कन को खोल लिया, इसमें डाल दूंगा पूरा। और मैं इसी को काट कर नापने वाला बनाऊंगा। ये इसको मैं काट लिया, इसमें 4 बार डालूंगा थिनर। चार ढक्कन हो चुका है। चार ढक्कन होने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाँ तो दोस्त देखिए, मैंने रोजुट कलर कर लिया हूँ। रोजुट कलर हो चुका है, उसके बाद मैं सीलर मारूँगा अभी। रिकॉर्ड हो चुका और ग्लोसी के लिए मारे साइनिंग के लिए तो डबल कोट तो मानना ही पड़ेगा। तो दो कोट में अभी सोलर चला दूंगा।
ग्लोसी मार रहा था तो मैं वीडियो ठीक से कर नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे अच्छी तरह से पहले ग्लोसी कर ले, उसके बाद आप लोग को एक बार ये दिखा दे। तो ये आप लोग देख, तो ये बेड अभी मैं फिनिशिंग इसको कर दिया फाइनल, देख रहे हैं बेड।